अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शाम निकलते हैं कराची से। कराची के गजरी अंडरपास में वाटर बोर्ड की टूटी पाइप लाइन से टैंकर्स माफिया पानी भरते रहे। पानी के लिए वाटर टैंकर्स की लाइनें लग गईं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टैंकर्स मालकान हाइड्रेंट्स की बजाय टूटी पाइप लाइनों से पानी भरने लगे। ज़राए का बताना है कि वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी करने के बाद पानी महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। लाइन फटने का वाक़या इतवार को पेश आया था। गिजरी अंडरपास से गुजरने वाले ओवरसाइज ट्रेलर की वजह से पाइपलाइन फट गई थी। अंडरपास में पानी भरने के बाद बोर्ड बेसन से पंजाब चौरंगी जाने वाले ट्रैफिक को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। बाद में वाटर बोर्ड ने 18 इंच कतर लाइन की सप्लाई बंद करके इसकी मरम्मत कर दी। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।